सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो देखिए, बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं. दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट. हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस. गाइस, हम लोगों ने जैसे एक सीरीज स्टार्ट करी थी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में, इकोनॉमिक्स सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस आए थे उनमें जो भी टॉपिक था उसका हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे थे. ठीक है, तो आज इसी सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले कॉरपोरेट बॉन्ड्स की बात करते हैं. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो देखिए, बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं. दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट. डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब कर्जा लेने के लिए, लोन लेने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किए जाते हैं. ये मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं. ये ऐसे एक पेपर होता है, नॉर्मल पेपर. ठीक है, इसमें सम लिखा होता है. फॉर एग्जाम्पल 10,000 का एक बॉन्ड है. 10K मीन्स 10,000. ठीक है, फिर उसके बाद इसमें ये लिखा होता है कि ये बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट क्या है. मान लीजिए 5 ईयर का बॉन्ड है, आप आज खरीदेंगे तो 5 साल बाद ये मैच्योर होगा, और 5 साल बाद आपने जो आज पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको 5 साल बाद मिलेगा. मतलब आपने 10,000 रुपए अगर इस बॉन्ड को खरीदा तो आपने क्या किया, आपने डेट दे दिया है, लोन दे दिया है 10,000 रुपए का, और ये लोन आपको 5 साल बाद मिलेगा अगर 5 साल का बॉन्ड है. अगर 10 साल का बॉन्ड है तो 10 साल बाद मिलेगा, 20 साल का है तो 20 साल बाद मिलेगा. यानी बेसिकली लॉन्ग टर्म की ये लोन होते हैं. ठीक है, इसीलिए शब्द आया डेट इंस्ट्रूमेंट उसके नीचे. लेकिन अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फायदा क्या है? तो जो नॉर्मल सिस्टम है, जब भी आप लोन देते हैं या लेते हैं, अगर आप लोन दे रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप लोन ले रहे हैं तो आप इंटरेस्ट देंगे. तो यहां पर आप लोन दे रहे हैं तो यह इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, जो कि आपको ईयरली या हाफ ईयरली बेसिस पे, कुछ कंपनीज क्वार्टरली बेसिस पे भी देती हैं, जो भी है. और ये इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से लिखा होता है. फॉर एग्जाम्पल 6%. तो आपने जो 10,000 रुपए दिए हैं उस पर हर साल आपको 6% यानी 600 रुपए ब्याज का, इंटरेस्ट का मिलता रहेगा. ये होता है बॉन्ड का सिस्टम. इसीलिए बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जब आप बॉन्ड परचेस करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप डेट दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं. बात समझ में आई? अनलाइक शेयर्स, शेयर्स डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है. शेयर, एज द नेम सजेस्ट, आपने जब शेयर खरीदा तो एक्चुअली आपने उस कंपनी की बहुत स्मॉल सही, माइन्यूट सही, लेकिन उसकी ओनरशिप परचेस करी है. नाउ यू आर द पार्ट ऑफ द कंपनी, you have invested in it. Getting my point? ठीक है, जबकि बॉन्ड क्या होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं. शेयर्स में आपको क्या रिटर्न मिलता है, शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, जबकि बॉन्ड में आपको क्या मिलता है, बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट मिलता है. बात समझ में आई? अब बात करते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स की. तो देखिए, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट्स, कोई बिजनेस हाउस, कोई कंपनी अगर लोन सीक करती है और इस लोन के लिए अगर वो बॉन्ड का इस रास्ता इस्तेमाल करती है, तो ऐसे बॉन्ड को जो कि किसी कॉरपोरेट ने लॉन्च किए हैं लोन लेने के लिए, ऐसे बॉन्ड कहलाते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स. तो ये भी आपके डेट इंस्ट्रूमेंट हो गए, लोन लेने के लिए कॉरपोरेट ने लॉन्च किया. ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ये लोन लॉन्ग टर्म है. इसमें ये कॉरपोरेट जिसने भी बॉन्ड खरीदा, यानी जो भी पैसा लोन में दे रहा है, आपने खरीदा तो आपने इस कॉरपोरेट को लोन में पैसा दिया. अडानी जी ने मान लीजिए अपने कॉरपोरेट बॉन्ड्स निकाले, आपने उसको परचेस किया, तो एक्चुअली आपने क्या किया, आपने अडानी जी को लोन दिया, तो अडानी जी इस पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे. अब बात आती है कॉरपोरेट ऐसा क्यों करता है. तो देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. हो सकता है कोई ऑनगोइंग ऑपरेशन हो, कंपनी कोई वेंचर पे काम कर रही हो, ठीक है, उसके लिए पैसा चाहिए हो, तो कोई ऑनगोइंग ऑपरेशन हो सकता है. ठीक है, हो सकता है कंपनी किसी नई कंपनी को अक्वायर कर रही हो या मर्ज कर रही हो, तो एक्विजिशन एंड मर्जर, जिसको कि मैं शॉर्ट में A&M बोल रहा हूं. ठीक है, या फिर हो सकता है कंपनी एक्सपेंशन की सोच रही हो,
और एक्सपेंशन के लिए उसे फंड चाहिए, तो इसके लिए भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, इंटरेस्ट मिलेगा और रीजंस मैंने आपको बता दिए कि क्यों होता है, ठीक है। दूसरी बात एक और समझिए, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको और दे देता हूं कि जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड, आई एम राइटिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड है सीबी शॉर्ट में, कॉर्पोरेट बॉन्ड लेस देन वन ईयर, अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड एक साल से कम का है तो फिर इसको आप कमर्शियल पेपर बोलेंगे, ठीक है, देन इट विल बी रिफर्ड एज कमर्शियल पेपर। सो एक टाइप हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो लेस देन वन ईयर होता है, वो कमर्शियल पेपर कहलाता है। समझ के बात, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, जीसेक की। जीसेक का मतलब ही होता है, पेपर में लिखा भी था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी जस्ट लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये भी बॉन्ड्स हैं, दीज आर ऑल्सो बॉन्ड्स, इनको आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था बॉन्ड्स क्या होते हैं, दे आर डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर गवर्नमेंट को पैसे की यानी लोन की जरूरत पड़ जाती है तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स लॉन्च करती है जिनको आप जीसेक बोलते हैं। और जस्ट लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जब आपने इसको खरीदा, आपने गवर्नमेंट को लोन दे दिया, मोदी जी को लोन दे दिया, और मोदी जी अब आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। और आपका पैसा कब वापस करेंगे, द प्रिंसिपल दैट यू हैव लेंडेड, लेंडेड मतलब आपने जितने भी पैसे का बॉन्ड परचेज किया या गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करी, वो आपको जो मैच्योरिटी डेट लिखी होगी बॉन्ड पे, तब आपको आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। और ईयरली या हाफ ईयरली बेसिस जैसा भी डिस्क्राइब्ड होगा उस हिसाब से आपको आपका रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए बात समझिए, ये क्यों लोग परचेज करते हैं, क्योंकि फैक्टर है भाई, गवर्नमेंट बैक कर रही है तो लो रिस्क होते हैं, बैक्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट गारंटी दे रही है तो गवर्नमेंट तो आपका पैसा लेके कहीं नहीं चली जाएगी, है ना, गवर्नमेंट बैक करती है इनको, होते ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट। इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि आपका ट्रेजरी बिल्स हो गए, इंडिया में एक बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपके हो गए जीसेक, ठीक है। उसके बाद आपके कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं, ये भी आपके जीस, बहुत सारे टाइप है, स्टेट डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, वो भी आपके जीसेक होते हैं, एक्सेट्रा, राइट, ये सब आपके जीसेक होते हैं, ओके। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टूड दैट व्हाट आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड जीसेक, ठीक है, एंड द वीडियो वॉज हेल्पफुल, थैंक यू।